नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉली हेड टेबलेट के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह है हमारे पास में न्यू फॉली हेयर न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट जो कि है एबर्ट कंपनी का। तो यह हमारे पास में 30 टैबलेट्स और इसकी MRP है वो 612 रुपये, मतलब करीब करीब 20 रुपये की आपकी एक टैबलेट पड़ती है। तो यह टोटल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो अगर आप एज अ विटामिन देखोगे कि ABC, तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे हैं, पर नॉर्मली जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो है विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, इसके बाद में आइसोफ्लेवोन्स, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, बायोटीन। तो बायोटीन तो आपको पता है कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सब लोग जानते हैं बायोटीन के बारे में कुछ ना कुछ। तो हम जानते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो ये जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है उसके अंदर बहुत मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर लगभग हर प्रकार का मल्टीविटामिन है। जो कि क्या होता है, लोगों में विटामिन्स के मिनरल्स की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, हेयर ग्रोथ ठीक से नहीं होती है, जिसके बाद में बाल झड़ने लग जाते हैं, इसके बाद में बाल पतले हो जाते हैं। ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती है। और आजकल लोगों में जनरल देखा गया है कि हर व्यक्ति को बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसा होता है। तो इसके बाद में जो हेयर फॉल होती है, हेयर फॉल होने से ये रोकता है। इसके बाद में बॉडी को इतने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसा मल्टीविटामिन भी ये काम करता है कि ना सिर्फ बालों के लिए बाकी पूरी बॉडी पे ही एक्ट करता है। इसके बाद में इसके अंदर बायोटीन और 8 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्या होता है? तो अमीनो एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, मतलब जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बनता है। इसके बाद में ये इनकरेज करते हैं ग्रोथ ऑफ न्यू हेयर्स, मतलब नए बाल उगाने में भी मदद करते हैं, जिसके बाद में जो पुराने बाल है उनका भी हेयर फॉल रिड्यूस करते हैं, जिसके बाद में रूट से हमारे बाल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद में जो हेयर ग्रेइंग होती है उसके अंदर ये बहुत मदद करते हैं, जिसके बाद में हेयर फॉलिकल्स को ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट सप्लाई देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके बाद में स्ट्रेंथन करता है हमारे हेयर को रूट से, मतलब जो जड़ होती है वहाँ से ही उसको मजबूती देता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हेयर फॉल वैसे ही कम हो जाती है और हमारे बालों को हेल्दी और स्ट्रांग भी बनाता है। इसके बाद में जो केराटिन होता है, अब केराटिन क्या है? तो केराटिन एक हेलिक्स शेप का मॉलिक्यूल है जो कि हमारे जो बाल होते हैं वो 95% केराटिन से बने हुए। तो केराटिन एक टाइप का नेचुरल प्रोटीन है। तो ये केराटिन का प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट करता है, मतलब उसका प्रोडक्शन ये इंक्रीज करता है। इसके बाद में ये केराटिन कहाँ कहाँ होता है? तो हमारे नाखून में भी होता है, बाल में भी होता है। तो एज अ प्रोटीन ही काम करता है। इसके बाद में जो बाल टूटते हैं, झड़ते हैं या पतले होते हैं, इसके अंदर भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो अगर इसकी डोसेज की बात करें तो आपको टेबलेट तो इसकी सिर्फ एक ही लेना है, और ये कम से कम आपको 3 से 4 महीने लेना ही पड़ेगा, तो ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि बाल भी एकदम नहीं टूटते, इसलिए इसका रिजल्ट भी आपको एकदम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने इस टेबलेट का यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, कोई भी दवाई ले तो उसका सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें कि हमें क्या समस्या हो सकती है, जिसके कारण वो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर डोसेज वो बता देगा। जिसके बाद में इसका जो अगर हम मार्केट में रिव्यू देखें तो इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों को इस टेबलेट से फ़ायदा होता है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। तो यह था हमारा वीडियो न्यू फॉली हेयर न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।